आता है कि सिर्फ 39 मुसलमान थे दुनिया में।
हम सच्चे हैं, सच्चे खुदा को मानते हैं, सच्चे दीन को मानते हैं, तो क्यों ना हम एक जलसे की सूरत में सब मुसलमान मिलकर अल्लाह की तौहीद का जलसा करें। नबी सल्लम ने अपना बयान फरमाया कि अभी मुसलमान थोड़े हैं, सहाबा कराम ने भी यही कहा कि हम थोड़े हैं। सैयदना सिद्दीक अकबर ने कहा अगर हम थोड़े हैं लेकिन सच्चे तो हैं, तो इसलिए मैं ये जलसा करना चाहता हूँ। तो हजरत मोहतरम सबसे पहला दुनिया में जलसा है तो वो भी सैयदना सिद्दीक अकबर ने किया। अगर तकरीर है इस्लाम के तो वो भी सबसे पहले तकरीर हुए। और सैयदना अली मुर्तजा शेरे खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं कि महबूब मुस्तफा ने फरमाया सारी कायनात के मुसलमानों के ईमान एक तरफ हो जाए और सैयदना सिद्दीक अकबर का ईमान सबसे बढ़ जाएगा। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि दुनिया में जिसने भी मुझ पर इस्लाम पर दीन पर इसार किया है उन सब के इसारों का बदला मैंने इस दुनिया में झुका दिया है, सवाय अबू बकर सदीक के कि इसने जो भी इस्लाम के लिए, दीन मुस्तफा के लिए, अल्लाह की तौहीद के लिए मुझ पर इसार किया है सैयदना सिद्दीक अकबर का एहसान मैं अभी तक झुका नहीं सका। रोजे महशर में इनके एहसान का बदला खुद रब कायनात की जात झुकाएगी। तो वो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिनका एहसान इस दुनिया में हद नहीं हो सकता, जिनकी नेकियां सैयदा आयशा फरमाती हैं कि महबूब मुस्तफा से मैंने पूछा आसमान पर जितने सितारे हैं इतनी किसी की नेकियां, कहा कि उम्र फारूक की। अर्ज किया मेरे पा हुजूर, फरमाया उम्र की सारी नेकियां एक तरफ और सैयदना सिद्दीक अकबर की एक नेकी इंसान से भारी है। हजरात मोहतरम इससे बढ़कर और क्या सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान हो सकती है कि महबूब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने प्यारे सहाबी हैं कि जिन वो सहाबा कराम जिन्होंने इशार किया इस हाल का बदला इस दुनिया में खत्म हो गया, लेकिन सैयदना सिद्दीक अकबर वो जात है जिसके इशार का बदला रोजे महशर खत्म होगा। तो हजरत मोहतरम सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जात व बरकात वो ऐसी जात है। सैयदना उमर फारूक फरमाते हैं कि हम में सबसे बढ़कर अगर कोई महबूब मुस्तफा से मोहब्बत करता था तो वो सैयदना सिद्दीक अकबर की जात से। आपने बेटा कहता है अब्दुल एक दिन जंग में आप मेरे सामने आए, मैंने तलवार निकाली लेकिन आपको अपना बाप समझकर मैंने छोड़ दिया। उस वक्त मैं मुसलमान नहीं था, मुशरिक था, लेकिन मैंने अपना बाप समझकर छोड़ दिया। आपने फरमाया मुझे अल्लाह की कसम है ऐ अब्दुर्रहमान, तू अगर मेरी तलवार की जिद में आ जाता तो अबू बकर तेरी गर्दन उड़ा देता, इसलिए कि तू मेरे महबूब की दुश्मनों की सफों में था। तो हजरत मोहतरम वो सैयदना सिद्दीक अकबर जिन्होंने अपना माल सारे का सारा लुटाया है, जिन्होंने अपने कुनबे अपनी फैमिली अपने रिश्तेदारों से बढ़कर मोहब्बत की है महबूब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से, तो यह आज उन्हीं का समर है कि सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि अगर जलसा किया है प्यारे महबूब मुस्तफा की उम्मत में तो वो सैयदना सिद्दीक अकबर ने पहला जलसा किया था। तो उन्हीं को राज रक्सीन पेश करने के लिए हम सब हाजिर हैं। दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज्जत
रोज़े महशर भी हम सब जो इस महफिल में आए हैं हमें सही नसीब के अकबर का साथ नसीब करे। तो तलावते कुरान मजीद के लिए मैं दावत दे रहा हूँ जनाब कारी गुलाम अब्बास साहब को, वो आए और तलावते कुरान मजीद पेश करें। कब्र विच ते
Habibi
Oh.
चाहे तो बचाओ मुझे तो बाबा। ना
ناصر محبت دا انتہا کمال ہے نبی دے ذکر وچ او خود ساڈے نال ہے سبحان اللہ دا محترم ابھی صوفی الہدار صاحب آتے ہیں وہ بھی مختصر سا میسج آپ کو دیتے ہیں جناب الہدار صاحب نعرہ نبی اور آپ جاتے سب جگہ ایمان لانے
नारे तकबीर,